हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम अपने ऑफिस सीरीज में बात करने जा रहे हैं रिव्यू मेन्यू के अंदर कमेंट टैब की। यस, होम मेन्यूज इंसर्ट वाले मेन्यू लाइन में आप रिव्यू मेन्यू देख रहे हैं। यहां पर इस रिव्यू मेन्यू के अंदर हम एक कमेंट टैब को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये कमेंट टैब होता क्या है? कमेंट यानी कि आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ स्पेशल नोट्स लिखना चाहते हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जब उसका प्रिंट आउट निकालें या जब किसी को आप दिखाएं तो वो कमेंट्स दिखाई ना दें। अकॉर्डिंग टू योर मतलब आप जैसे चाहते हैं कि कमेंट्स दिखाई दें कमेंट्स दिखाई ना दें तो आप कर सकते हैं। कमेंट्स बेसिकली वो लाइंस होती हैं जिन्हें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट करते हैं, पर वो दूसरों को एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, बट स्टिल जब तक आप उन्हें डिलीट नहीं करते वो वहां पर मेंशन रहती है। चलिए से देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे एक कंटेंट तैयार कर लेना है, और मैंने आपको बताया हुआ है इज इक्वल टू आर एंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा के आप एंटर मारेंगे तो एक रेडीमेड पैराग्राफ हमारे सामने बनकर आ जाता है। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स मार्क करता हूँ। तो न्यू कमेंट का ऑप्शन अभी आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो सपोज मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट पैरा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ फर्स्ट पैरा स्टार्ट। चलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर देख सकें। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं और मैं एंड लिखता हूं न्यू कमेंट फर्स्ट पैरा एंड। आप देख रहे हैं जैसे मैं कमेंट क्रिएट कर रहा हूं यहां पर आपको कमेंट्स दिख रहे हैं जो मैं कमेंट्स दे रहा हूं। सपोज मैं कुछ स्पेशल वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ कर सकते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूले को मार्क करना चाहता हूँ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन एक पैराग्राफ पर आपको ये काम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब मैंने कमेंट लिखना स्टार्ट किया था ये तीनों डिलीट प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन हाइड था और ये ब्लिंक नहीं हो रहा था। अब ये प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा दोनों पैराग्राफ पे और स्टार्ट कर लेते हैं न्यू कमेंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड पैरा स्टार्ट। चलिए इसके एंड पर हम यहां पर एक कमेंट मार्क कर लेते हैं सेकेंड पैरा एंड। चलिए थर्ड पर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कुछ न्यू कमेंट थर्ड पैरा स्टार्ट, और यहां पर क्लिक करें और इधर क्लिक करें थर्ड पैरा एंड। चलिए तो मैंने यहां पर तीन पैराग्राफ के लिए कुछ स्पेशल कमेंट मार्क कर लिए हैं और वो कमेंट्स यहां दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ लेंगे या जब हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट दूसरों को ना हो तो हमें यहां पर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन वो चेंजेस करने से पहले मैं आपको प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन दिखा देता हूं। फिलहाल मेरा जो लेटेस्ट जो कमेंट है वो यहां पर लास्ट मोमेंट पे है, आप देख पा रहे हैं। मैं इसे प्रीवियस करता हूं, ये देखिए ये जो सबसे लास्ट वाला थर्ड पैरा एंड वाला जो कमेंट था वो हाईलाइट हो गया है और बाकी सारे अभी हाईलाइट नहीं हो रखे हैं। चलिए और प्रीवियस यानी इससे पहले चलते हैं। इस तरीके से आप एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब इन्हें हाइड कैसे करना है, इसके नेक्स्ट ऑप्शन में आप यहां पर देख रहे हैं ओरिजिनल पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका कमेंट सेगमेंट हट गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कमेंट यहां से डिलीट हो गया है, नहीं, आप दोबारा से यहां क्लिक कीजिए और ओरिजिनल मार्कअप्स पे क्लिक कीजिए, आपके सारे कमेंट वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको। आप अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट कैसे लगा सकते हैं यूजिंग न्यू कमेंट ऑप्शन। अगर आपके पास बहुत सारे कमेंट्स हैं तो उनमें आप मूवमेंट कैसे कर सकते हैं प्रीवियस नेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये कमेंट आपके अलावा किसी और को ना दिखाई दें तो आपको इन्हें हाइड करना होगा। यहां पर जाइए और इसे ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिए, आपके कमेंट्स हट जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कमेंट्स दिखाई दें तो आप इसे शो मार्कअप्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कमेंट लाइन मेनली वो लाइंस होती हैं जो केवल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट में मार्क्स करते हैं, अदरवाइज अगर आप इन्हें हाइड कर देते हैं तो ये दोबारा दिखाई नहीं देती हैं जब तक आप इन्हें दोबारा एनेबल ना करें। चलिए एक काम करते हैं, आप अपने इस कंटेंट को सेव करते हैं डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर। हम इसे सेव कर लेते हैं
CMT के नाम से मैंने इसे सेव किया और इसे सेव कर दिया। अब हम इसे फाइल को करते हैं बंद। अब देखिए CMT फाइल हमें ढूंढना होगा, तो CMT फाइल ये रही मेरी CMT फाइल, इसे ओपन करते हैं। देखिए ये कमेंट्स मेरे अब दूसरे कलर में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहे, ये काम वैसे ही करेंगे। प्रीवियस, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में था तो मैं प्रीवियस तो नहीं देख सकता, नेक्स्ट जरूर देख सकता हूं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा अब बात करते हैं कमेंट्स को डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर कमेंट पे जाइए, मैं प्रीवियस पे जाता हूं, ये कमेंट मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए और ये कमेंट डिलीट हो गया। फिर आप प्रीवियस पे जाइए, ये डिलीट करना चाहते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको सारे कमेंट्स एक साथ डिलीट करने हैं हमारे डॉक्यूमेंट से, क्योंकि हो सकता है पेज एक पेज की फाइल ना हो, आपके बहुत सारे कमेंट्स हो, तो यहां पर आप डिलीट पे क्लिक कीजिए, डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स, एक साथ आपके कमेंट्स हो जाते हैं डिलीट। तो आज आपने देखा कि MS Word में मेन्यू, रिव्यू मेन्यू के अंदर कमेंट्स टैब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो आई होप कि मेरी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये मेरी क्लास आपके समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।